अस्सलाम वालेकुम क्लास, बस आज टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है एफएससी पार्ट 2 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी का एक टॉपिक है जिसमें हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को देखेंगे। तो हम उससे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने नेचुरल गैस को और कोल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया था। तो आज हम पेट्रोलियम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पेट्रोलियम है, हमारे टॉपिक का नेम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम हमारे पास एक मिनरल आयन है जो हमारे पास मिनरल आयन है, जब उसको रिफाइन किया जाता है तो हमारे पास पेट्रोलियम हासिल होता है। तो इसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो आज हम क्रैकिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्रैकिंग के अंदर है क्या हमारे पास, हम इसमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो हाई हाइड्रोकार्बन है उनकी ब्रेक डाउन होती है, उनकी पाइरोलाइसिस होती है, उनकी डिकम्पोजिशन होती है। तो हम हाई हाइड्रोकार्बन को जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, उनकी पाइरोलाइसिस कर देते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। अगर हम क्रैकिंग को देखें तो क्रैकिंग के अंदर होता क्या है कि हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन की जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट into lower hydrocarbon have low boiling point। तो इसको हम क्रैकिंग कहते हैं, इस कॉल्ड क्रैकिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम C16H34 लें, ये हमारे पास अल्केन है, क्योंकि ये हमारे पास अल्केन होता है। हम इसको हीट करते हैं और हमारे पास इसको 700°C दिया जाता है। तो जब हम इसको अल्केन, ये हमारे पास एक अल्केन है, इसे कहते हैं हेक्साडिकेन। ये हमारे पास हेक्साडिकेन अल्केन है, इसके हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। ये हमारे पास हार्ड हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हम इसको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने से हमारे पास C7H16 और उसके साथ हमारे पास CH तो ये हमारे पास अल्केन है और ये हमारे पास रोइन।
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो क्रैकिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं हर हाइड्रोकार्बन की। तो हमारे पास हर हाइड्रोकार्बन जो है जिनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका वोलेटाइल जो मास है वो बॉइलिंग पॉइंट वो लो होता है। तो मैंने यहाँ पर सामने एग्जाम्पल लिखी है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद अल्केन है। जब अल्केन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें से हमारे पास दो प्रोडक्ट आती है, एक अल्केन और एक हमारे पास प्रोपेन। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड हासिल होते हैं। तो हमारे पास डिकम्पोजिशन जो होती है, डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन को डिपेंड करती है कि हमारे पास क्रैकिंग किस टाइप की है। डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट डिपेंड अंडर what cracking take place। तो जिस तरह की हमारे पास क्रैकिंग होगी उस तरह की हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होगी। फॉर एग्जाम्पल आगे इसकी टाइप्स हैं, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम टाइप्स पढ़ते हैं क्रैकिंग, ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी हम डिस्कस की है वही हमारे पास थर्मल क्रैकिंग। इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है ऑफ हायर इनटू लोअर कि हम इसमें करते हैं कि हमारे पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम ब्रेकडाउन करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन टू लोअर कार्बन लोअर हाइड्रोकार्बन, तो उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट हासिल होती है वो हमारे पास, अभी हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट थे जो हमारे पास हासिल होती है वो क्या थी, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्ट थी वो ऑब्टेन हुई। तो उसमें हमारे पास क्या था, एक एथीन थी और एक प्रोपेन थी। उसके बाद हमने थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास आ जाती है कैटालिटिक कैटालिटिक क्रैकिंग में हम उसको हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो उसमें हम लोअर टेम्परेचर यूज करते हैं, हमारे पास प्रेशर भी लो होता है, तो टेम्परेचर हम यूज करते हैं हमारे पास इसके अंदर होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर और 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर यूज होता है हमारे पास। ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये प्रेशर यूज होता है और इसके अलावा हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो वो हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका, ये हमारे पास
जो कैटलिस्ट है जो उसका हम यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज़ होते हैं फॉर क्रैकिंग के लिए, तो कैटलिक क्रैकिंग के लिए। तो इसमें हम हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारे पास गैसोलीन प्रोड्यूस होती है। ऑक्टेन जो पहले थर्मल में हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्ट थी वो हमारे पास ऑब्टेन होती है। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे पास गैसोलीन है जिसका ऑब्टेन ही होता है। तो इस प्रोसेस को कैटलिटिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम जो है बेटर क्वालिटी जो गैसोलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के अंदर करते क्या है, जो हमारे पास हाई हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम मिक्स कर देते हैं इन द वेपर विद हीट ऑफ द स्टीम फॉर सम ड्यूरेशन, थोड़े टाइम के लिए हम उसको क्या कहें वेपर के साथ उसको हीट हाई हाइड्रोकार्बन को मिक्स कर देते हैं स्टीम के साथ, तो हमारे पास स्टीम क्रैकिंग बनता है। Mix with steam. तो इस प्रोसेस को हम स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो हमारे पास प्रोड्यूस लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रो, ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट होती है। तो मेन कि हमारे पास जिस तरह की क्रैकिंग होगी हमारे पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्रैकिंग किस टाइप की है, तो उसी टाइप के हमारे पास जो डिकम्पोजिशन होती है प्रोडक्ट की वो हमारे पास क्रैकिंग पे डिपेंड करती है। तो अभी मैंने आपके सामने थर्मल डिकम्पोजिशन उसमें अनसैचुरेटेड स्टीम के अंदर लोअर अनसैचुरेटेड कार्बन, जबकि हमारे पास जो दूसरी है कैटलिस्ट के अंदर हमारे पास गैसोलीन प्रोडक्ट होती है। तो इसके बाद हमारे पास पॉइंट है नीड ऑफ क्रैकिंग। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है नीड ऑफ क्रैकिंग, तो हम जब पेट्रोलियम की फ्रिक्शन डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम प्रोड्यूस 20% गैसोलीन। जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हमारे पास पेट्रोलियम के आगे डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास ये कार्बन नंबर पर और बॉइलिंग पॉइंट की रेंज पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास गैसोलीन प्रोड्यूस होती है, ये हमारे पास 20% प्रोड्यूस होती है, जबकि ये क्वान्टिटी 20% है, ये वेरी लो क्वान्टिटी है। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड हम प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो गैस ऑयल होता है हमारे पास केरोसिन ऑयल है हम उनको गैसोलीन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। इसलिए हमें
क्रैकिंग इसलिए हमें क्रैकिंग की जरूरत होती है। तो द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सरप्लस सप्लाई ऑफ जीरो गैसोलीन की जो यील्ड है वो इंक्रीज होती है, देन प्रोड्यूस सूटेबल क्रैकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं तो गैसोलीन के जो हमारे पास प्रोडक्ट है यील्ड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमारे पास सूटेबल बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि इथेन, बेंजीन, प्रोपेन, इनको हम डिफरेंट आगे पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल के लिए यूज कर लें, सिंथेटिक रबर के लिए यूज कर लें, फाइबर के लिए यूज कर लें, फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के तौर पर यूज होते हैं, तो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो इसलिए हमें क्रैकिंग की जरूरत होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था हमारा क्लियर होगा, होप सो कि आपको ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आप इस लेक्चर को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।